ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए, कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए आगामी चुनाव परिणाम की तैयारियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान होते ही चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश का चुनाव पूरा हुआ। रविवार को नतीजे घोषित होंगे, लेकिन ये ऐसा समय है जब पूरे देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति बहुत गंभीर है और इस स्थिति को देखते हुए चुनाव आयोग ने स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। विजय जुलूसों पर रोक है। जीतने वाले उम्मीदवार या उसके प्रतिनिधि के साथ रिटर्निंग ऑफिसर से प्रमाण पत्र प्राप्त करने जाने के लिए दो व्यक्तियों की ही अनुमति है और ऐसे ही कुछ और गाइडलाइंस में बातें हैं। श्रोताओं की जानकारी के लिए हम बताते चलें कि पिछले साल 21 अगस्त को चुनाव आयोग ने कोविड महामारी के दौरान चुनाव के आयोजन के संबंध में दिशा निर्देश प्रस्तुत किए थे और उन्हीं दिशा निर्देशों के आधार पर 2 मई के निर्देश दिए गए हैं। तो अशोक जी, सबसे पहले तो आप इन दिशा निर्देशों पर नजर डालें जो चुनाव आयोग ने जारी किए हैं और ऐसे संवेदनशील समय में इन दिशा निर्देशों का आना कितना आवश्यक था। केंद्रीय चुनाव आयोग ने 3 स्तर पर ये दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश तो वो हैं जो केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से जारी किए गए हैं, लेकिन साथ ही केंद्रीय चुनाव आयोग ने राज्यों के जो चुनाव अधिकारी हैं उनके लिए भी एक गाइडलाइन बनाने को कहा है, जो वहाँ की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर वो वहाँ पर उन गाइडलाइन का पालन होगा। तीसरा स्तर है जो जिला के चुनाव अधिकारी हैं, उन पर भी ये जिम्मेदारी डाली गई है कि हर उस मतगणना केंद्र के प्रमुख वो स्वयं होंगे और वहाँ पर जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से या फिर जो वहाँ के राज्य के चुनाव आयोग की ओर से, उनका कड़ाई से पालन करवाना, इसकी जिम्मेदारी जिला चुनाव अधिकारी पर छोड़ी गई है। जैसे कि अभी आपने कहा कि कोई भी उम्मीदवार मतगणना केंद्र में या उसका जो काउंटिंग एजेंट है वो भी मतगणना केंद्र में नहीं दाखिल हो सकता जब तक या तो उसके पास एक नेगेटिव टेस्ट का प्रमाण पत्र हो या फिर उसे दोनों ही जो वैक्सीन है वो लग चुके हो। अब इसको सुनिश्चित करना जो जिला अधिकारी है उसको ये जिम्मेदारी दी गई है। यहाँ तक भी कहा गया है कि जो मतगणना केंद्र बनाए जाएं वो खुले हॉल हों और वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाए और वहाँ पर ये हवादार भी होने चाहिए ताकि वहाँ वेंटिलेशन हो और जितने भी सील्ड ईवीएम मशीन आती हैं या वीवीपैट आते हैं उनको भी सैनिटाइज करना, ये भी वहाँ के जिला चुनाव अधिकारी की जिम्मेवारी होगी। और यहाँ तक भी कहा गया है कि जो पोस्टल बैलेट आते हैं उनको अलग जगह पर उनकी गिनती की जाए। अब जिला अधिकारी सारे उस प्रदेश में जहाँ चुनाव हुए हैं वहाँ मतगणना हो रही है वो ये सब काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे ये सुनिश्चित कर रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। तो हमें उम्मीद है कि इन सब दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन होगा और बाहर लोगों की भीड़ ना जुटे और जैसे अभी आपने कहा कि जुलूस नहीं निकलेंगे, चुनाव आयोग का जो एक प्रमाण पत्र है जीतने के बाद वो लेने के लिए भी जाने के लिए उम्मीदवार के साथ कितने लोग जाएंगे, ये सब दिशा निर्देश जो है ये रहे हैं। देखिए हम ये नहीं भूलें कि पिछले साल जब बिहार में चुनाव हुआ था तब भी पैंडेमिक था, तब भी कोरोना था, तो उस समय उन दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया, जनता ने भी किया, प्रशासन ने भी किया, लेकिन इस बार वो सारे दिशा निर्देश तो वही रहे लेकिन उनका कड़ाई से पालन नहीं हो पाया और जिसके चलते हम देख रहे हैं कि हाईकोर्ट और एक नहीं कई हाईकोर्ट ने भी इसके बारे में चिंता व्यक्त की। तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ ये है कि अब जो 2 मई को मतगणना होगी, उम्मीद की जाती है कि राज्य सरकारें जहां पर मतगणना होनी है और उन राज्यों के जिला चुनाव अधिकारी ये सब चीज सुनिश्चित करेंगे। बिल्कुल, और ये वो समय है हम तय कर सकते हैं कि आगे आने वाले समय में जबकि ऐसी ही कई चुनौतियां अगर बनती हैं भविष्य में तो उस वक्त हमें तैयार कैसे रहना है, जिसमें आपने बहुत अच्छे से स्थानीय प्रशासन की भूमिका के बारे में बताया। हमने देखा भी कि पश्चिम बंगाल के जो बाकी बचे चरण थे उसमें चुनाव आयोग ने लगातार दिशा निर्देश दिए, लेकिन निर्भर करता है ये उन पर, चाहे वो राजनीतिक दल हो या स्थानीय प्रशासन हो, कि उनको वो किस तरह से लागू करता है। तो आपकी दृष्टि में 2 मई को राजनीतिक दलों से लेकर प्रत्याशियों से लेकर और स्थानीय प्रशासन
संगठन के बारे में तो आपने बताया ही, लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा कि भविष्य को देखते हुए कैसा बदलाव इस बार होने वाला है और कितना ये परिवर्तनकारी होगा। देखिए, दिशा निर्देश जारी करना चुनाव आयोग का काम है और उसी तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में जो गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश है उनका भी पालन करना, ये भी राज्य सरकारों की जिम्मेदारी, लेकिन इसके साथ साथ जनता की भी जिम्मेदारी बनती है। अब जब हम बात जनता की करते हैं तो चुनाव राजनीतिक दल लड़ते हैं और राजनीतिक दलों ने ही चुनाव प्रचार किया है और अब मतगणना के दिन भी राजनीतिक दलों और उनके एजेंट लोग वहां पर उपस्थित होंगे। जितने मतगणना के अधिकारी हैं, सरकारी अधिकारी, उनका तो कोविड टेस्ट होगा ही होगा, लेकिन जो काउंटिंग एजेंट बन के जाने वाले हैं उसमें भी कोई लापरवाही ना बरती जाए, इसके लिए भी राजनीतिक दलों की भी जिम्मेदारी बनती है। अब राजनीतिक दल अपने पोलिंग एजेंट को पहले से ही ये सुनिश्चित कर ले नाम तय करने से पहले कि क्या उनका टीकाकरण हो चुका है, अगर नहीं है तो उनका जो कोविड नेगेटिव टेस्ट है इस बीच में ये करवाना उनकी जिम्मेदारी है, न कि हम ये पूरी की पूरी जिम्मेवारी जो है प्रशासन पर छोड़े कि वो मतगणना केंद्र में जाने वाले हर व्यक्ति को रोके, उसका सर्टिफिकेट चेक करे और वहां पर लड़ाई झगड़े हों। अब जानते हैं स्वभाव में राजनीतिक दलों के जो कार्यकर्ता होते हैं वो अपने उम्मीदवार से भी ज्यादा आगे बढ़कर, और कहीं वहां पर इस प्रकार की परिस्थिति ना पैदा हो कि प्रशासन को कुछ कड़ी कार्रवाई करनी पड़े। तो राजनीतिक दलों की भी वे जिम्मेदारी है कि ये जो दिशा निर्देश दिए गए हैं मतगणना के दिन के, उनका पालन करने में प्रशासन का सहयोग करें। अगर उनका सहयोग मिलेगा तो पूरी आम जनता, देखिए भीड़ जुटती है मतगणना केंद्रों के बाहर, जीत के बाहर ढोल नगाड़े भी बजते हैं, लेकिन वो उनके दल के कार्यकर्ता न करें इसका सुनिश्चित करना भी राजनीतिक दलों पर है। हम केवल दिशा निर्देश की बात करते हैं, हम केवल ये बात करते हैं प्रशासन ये सुनिश्चित करे कि वहां पर भीड़ इकट्ठी ना हो, प्रशासन ये सुनिश्चित करे कि जुलूस ना निकले, लेकिन इसकी जिम्मेदारी राजनीतिक दलों की भी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार की वर्तमान परिस्थिति चल रही है उसमें राजनीतिक दल भी सहयोग करे और जो दलों के वो भी तो नागरिक हैं, उनकी भी स्वास्थ्य की, उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी भी है, तो वो स्वयं से भी उनका कड़ाई से पालन करे, मतगणना केंद्रों के अंदर भीड़ ना जुटे और ये सोशल डिस्टेंस रखी जाए, किस मेज पर कितने लोग हों, ये सब हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन सुनिश्चित करे। लेकिन बात हम नहीं भूले कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसमें जो चुनाव प्रक्रिया होती है उसको पूरी दुनिया देखती है, चाहे हमारे चुनाव का जो परिणाम आते हैं, सत्ता परिवर्तन होते हैं, उस पर भी टिप्पणी दुनिया करती है, लेकिन इन परिस्थितियों में हम कैसे शांतिपूर्वक और निष्पक्ष चुनाव करवा रहे हैं और इस महामारी के चलते हुए भी हमने इतना जोखिम उठाया और एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए चुनाव किए, तो हमारा जो रवैया है, हमारा जो बिहेवियर है, इस पर भी दुनिया नजरें रहेंगी। तो कुल मिलाकर हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो चुनाव प्रक्रिया अब तक हो चुकी, अब उसके आखिरी चरण में मतगणना में कोई ऐसी अप्रिय घटनाएं ना हो ताकि हमारे लोकतंत्र पर कोई इस प्रकार का काला धब्बा बने, और इसके लिए जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनका कड़ाई से पालन करवाना प्रशासन की जिम्मेदारी है ही है, लेकिन राजनीतिक दलों और आम जनता की भी ये जिम्मेदारी है कि वो उन दिशा निर्देशों को स्वयं से पालन करे ताकि किसी प्रकार की कड़ाई बरतने की आवश्यकता ही ना पड़े। निश्चित तौर पर अशोक जी, भारत के लोकतंत्र के लिए ये एक परीक्षा का समय है। एक तरफ हम कोविड महामारी से जूझ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो चुनाव हो चुके हैं और अंतिम चरण वो बाकी है, अगर वो सफलतापूर्वक पूरा हो जाता है तो एक सकारात्मक संदेश जरूर पूरे विश्व में जाएगा, और इसमें सभी लोगों की, चुनाव आयोग से लेकर स्थानीय प्रशासन से लेकर राजनीतिक दलों से लेकर आम जनता की पूरी पूरी भूमिका है। आप चर्चा में जुड़े और इस विषय पर विस्तार से विश्लेषण किया, आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए आगामी चुनाव परिणाम की तैयारियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।